हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे आपके अपने ही चैनल रेखा गुर्जर फैमिली ब्लॉग चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो थोड़े आज मुझे आप तैयार हुए देख रहे हो, सूट ही पहना है और इतना ही टेंशन नहीं लेती बिल्कुल तैयार होने की। और ये देखो मैंने नेल पॉलिश लगाई है लेकिन सब खराब हो गई। मतलब तैयार तो ढंग से तैयार होना बहुत दूर, ये भी ये लगाई है खराब हो गई। वो सबको कपड़े देने लगी, सब खराब हो गए, बहुत गंदी वाली लग रही है। तो पता नहीं कैसे तैयार हो लेती हैं आराम से बिल्कुल भी। और ये मैंने कानों के जो मेरी 3 मंजिल रूम की थी उनमें ये बनवा लिया और टूट गई थी। कैसे लगे सब कमेंट करके बताना, कैसे लग रहे हैं। और कहाँ जा रही हूँ ये आप सबको पता चल जाएगा, इतनी ज़्यादा तैयार वैयार होके नहीं जा रही, इतनी इतना सिंपल ही है पर फिर भी जा रही हूँ। न्यू सूट पहना है जी, दूसरी बार पहना है। तो मिलते हैं आप सभी से जहाँ भी हम जाएंगे, आपको साथ लेके चलेंगे, ठीक है जी। तो वीडियो की मैंने स्टार्टिंग इसलिए कर रही है, अभी बच्चे पानी वानी पी रहे हैं, मैं चलो फिर आप सबको वहीं मिलेंगे। किस किस से मिलवाएंगे या ना भी मिलवाएंगे तो आपको डेकोरेशन दिखाएंगे, घर आके ब्लॉग बनाएंगे। और क्योंकि कहीं जाते हैं तो फिर सबसे मिलना मिलना आप सबसे पूछ के वीडियो बनाती हूँ, मैं वैसे नहीं बनाती, ठीक है जी। तो मिलते हैं वहीं पार्टी में। हेलो तो बोल दें नन्नू, नन्नू हेलो बोल दे। वो तो गाड़ी में जाए वो ना बोली हेलो। आप सभी को डेकोरेशन दिखा रही हूँ और बिल्कुल भी माइंड मत करना, ऐसे ही हम देवरानी जेठानी मजाक कर रहे हैं। आगे अपना वॉइस ओवर कम जहाँ से मतलब मुझे लगेगा थोड़ा बहुत ही करूँगी, नहीं तो नेचुरली जो होगा वो सब आपको अच्छा लगेगा। बीच बीच में थोड़ा बहुत वॉइस ओवर करूँगी वीडियो में बस। ये मुझे भी दिया शादी में और ये रीना के यहाँ से, और ये हमारी नंद पहली बार हाय नीतू और मामा ससुर की बेटी यहीं पे है, और इन्हीं के देवर की शादी है जहाँ हम आए हैं। और ये तो पुरानी है हमारी, नहीं मैं तो नहीं हूँ नहीं है, आज नए कपड़े पहन के नहीं हो रही, नहीं पुरानी रीना ही है, तुम सुंदर बेट देखते हो गए। मेरी लड़की कह रही आज भी तो सुंदर लग रही, 5 मिनट में रेडी होगी, जब ये पोती है चमकाइए लगाइए, और जितना सिंपल होगा ना इतना ठीक है, इसको काला पड़ जावे है। देखिए कितना सुंदर लग रही है, सिंपल है, ज़्यादा काला पड़ जावे है। ये इन्हें कहने हटा दे बुढ़िया, इनके बिना देख ना रहा। और तुम्हारी आईडी सोनू कुछ के नाम से है क्या? मैं मेरे उस पे तो सोनू ही चल रहा है यार, सॉरी सॉरी बड़ा बड़ा। हम तो वैसे ही बन जाते पार्टी में, सासू माँ भी है हमारी यहाँ और डांट पड़ जाएगी हमें, इसलिए हमको फिर पानी मिलेंगे। और नीतू बना रही है आज हमारे नया कैमरा मैन, आप सबको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और नीतू है आज ये कह रही है, कैसे कह रही है बता दें, वीडियो आज मैं बनाऊंगी तुम्हारी, आज मैं बनाती हूँ उनकी वीडियो, सबकी बनाती हूँ आज मैं इनकी बनाती हूँ, रोज मैं सबकी वीडियो बनाऊँ आज मेरी वीडियो बनेगी। हेलो गाइस आप सभी कैसे हो, रोज वाली वीडियो देखिए आप, हम अपने नंदन के बना ले थोड़ी सी रेखा दीदी के यूट्यूब पर बोलो कुछ दीदी करो। ये लो बेटा, बड़े आदमी हो नहीं छोटे आदमी है, तभी तो डेली संभालनी पड़ती है, तो देखने का टाइम नहीं मिलता। आप बड़ी सुंदर लग रही हो, येलो दुपट्टा सा बहुत सुंदर लग रही हो आप, येलो सा लग मुका है। रेखा गुजरी हमारी बना दो, हम बड़े हाँ आप बना रही बाबू, मैं तेरी वीडियो मैं सब्सक्राइबर बढ़ा रही हूँ।
और कुछ? हाँ तब मैं बनाऊँ तेरी। और ये है नीतू, ये थी अभी तक हमारी कैमरामैन, और अब ये देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत अच्छा लुक। इस साड़ी कहाँ बोले हैं ऐसे? सिक्वेंस सिक्वेंस। सॉरी सॉरी मोनो बताई, थोड़ी सी दूर तो होती, अभी तक पूरा लुक दिखाऊंगी। हाँ भाई बहुत प्यारी लग रही है सच में, बहुत प्यारी लग रही है। आप सब कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। तो जैसे कि कहीं ना कहीं डर भी लगता है वीडियो बनाने में, तो वहाँ पे कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी किसी को भी कोई एतराज़ नहीं था। तो बोला उन्होंने कि भाभी आप वीडियो नहीं बना रहे हो, मतलब व्लॉग नहीं बना रहे हो, तो ये सब उनके रिलेटिव आ रहे हैं चाची घर के, मतलब ये नंद है हमारी रिंकी, तो ये सबसे मिल रही हैं। बहुत अच्छी लड़की, बहुत ही अच्छा नेचर है दीदी का, और चाची का भी बहुत अच्छा नेचर है, सभी का परिवार में बहुत अच्छा नेचर है। इतना नहीं होता है जितना ये लोग कर देते हैं, इतना मतलब नहीं होता है। ये मम्मी हर भी बैठी हुई है वहीं पे, और ये सब हम देवरानी जेठानी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और सब एक साथ जब शादी पार्टियों में मिलते हैं, क्योंकि सब दूर दूर ही रहते हैं, तो कभी कभी मिलना होता है तो अलग ही फीलिंग होती है, बहनों वाली फीलिंग, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल साथ रहे नहीं है, पास में भी रहे हैं, तब भी वही था, और अब कभी कभी मिलते हैं तो और ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि एक अलग ही होता है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ सब बैठे हुए हैं, मतलब सब फैमिली है। और यहाँ भात मतलब लगन का होता है पहले, तो लगन सगाई वो ले ली गई है, चाची को दे रहे हैं भैया जिनकी शादी है, वो फिर जो बीध लेती है उसी को देते हैं। तो ये चाची है, इन्हीं के बेटे की शादी है, साड़ी पहन रखी है चाची ने। और आप सबको ज़्यादातर मैं वॉइस ओवर मतलब यहीं पर कर रही हूँ, पीछे वॉइस ओवर मैंने हाँ जहाँ पे बातें हो रही थी वहाँ पे मैंने नहीं किया था। और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी हो रही थी, डेकोरेशन आप देख सकते हो बहुत प्यारी हो रही थी। और ऐसा होता है कि हर जगह है ना, हर जगह का अलग होता है। हम कई बार मैं बोल के चली थी वीडियो में पहले ही कि हो सकता है मैं कैप्चर ना कर पाऊँ, मतलब वीडियो ना बना पाऊँ, डेकोरेशन दिखाती, फिर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लड़की है तो सबसे बातें कर रहे थे वही, बस थोड़ी थोड़ी क्लिप कहीं कहीं से लिए, ज़्यादा व्लॉग तो नहीं, तो बोला था आराम से व्लॉग बनाओ, लेकिन हमारे में घूंघट भी है तो इतना जितना हम कैप्चर कर सकते थे इतना हमने कैप्चर किया है। लेकिन वैसे किसी को वीडियो बनाने, ये मामा, आप प्रिया को सब जानते होगे, प्रिया है ये मामा ससुर के लड़के की बहू है, और ये रीना ही है, और नीतू है, आप सब जानते ही हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। अगर वीडियो पसंद आ रही है आपको थोड़ी सी भी, और लाइक तो भूलना मत।